अडकलेले पैसे लगेचच्या लगेच मिळावे म्हणून आम्ही दादांकडे आलो होतो आणि दादांनी फडणवीस साहेबांना फोन केला आणि फोन करून आता आम्ही परदेशी साहेबाकडे यांना घेऊन निघालोय. एवढाच बैठक हुई अजित दादा के साथ आप लोगों की क्या कुछ बातें हुई है बैठक में. इतर आमदार देखील होते, छोटे इतर आमदार थांब ना जरा, इतर आमदार देखील होते आणि त्यानंतर कॅपिटली भाजप सोबत जाण्याची चर्चा सध्या अजिबात नाही. आमचं काम फक्त चिपळूण शहरातला वाशिष्ठी नदीचा गाळ काढण्यासंबंधीचीच बैठक होती, बाकी कुठची चर्चा नाही. आणि काही दादा किंवा असं काही वातावरण नाही, जे वातावरण दाखवलं जातं त्यातला 1% कुठेही काही शंका नाही. अजित पवार साहब का तो हम हर हफ्ते में मंगलवार और बुधवार को मिलते ही है. बहुत सारे आमदार इधर आते हैं विधान भवन में, अपना अपना जो भी मतदार संघ में कोई प्रॉब्लम रहेगा वो दादा से बात करते, दादा उसका सोल्यूशन निकालते, क्योंकि आपको सबको मालूम है दादा का काम करने का तरीका अलग है, इसलिए सब जन यहाँ आते हैं. लेकिन ये बताइए कि बार बार ये नॉट रीचेबल की खबरें आती, दादा तो आपको दादा तो रीचेबल ही है ना. अभी सुबह से कम से कम 200-250 लोग मिलके गए दादा को. इस विषय पे बात हुई कि नहीं आप लोगों की? नहीं, बात अगर कोई बात ही नहीं तो बात करने का क्या. राजकारण में ऐसा नहीं होता, जर तर का कोई रिलेशन नहीं होता, जब आता है तब की बात है. अगर दादा कोई स्टेप लेंगे तो आप लोग साथ देंगे? नहीं, स्टेप ही नहीं लेंगे दादा. दादा और पवार साहब हमारे राष्ट्रवादी के आत्मा है. तो नितिन पवार ने तो ये बोला कि 2019 में साथ में थे, अभी भी साथ में रहेंगे. 2019 में भी साथ में थे, जब भी फडणवीस के साथ गए थे तभी भी हम गए थे, अभी भी जाएंगे. नहीं नहीं, वो उनका क्वेश्चन है, हमारा तो कुछ ऐसी बात हो रही है कि नहीं कुछ नहीं. सब बार बार है फिर नॉट रीचेबल की खबर. अब नॉट रीचेबल दादा तो नॉट रीचेबल, दादा का फोन बंद ही रहता है. So Shekhar Nikam, one of the MLA from NCP who had in fact met Ajit Pawar in the meeting. He was there for around 2 hours that this meeting took place, and in fact he mentions that there are no talks about joining BJP at this point of time. But yes, he was the MLA who had just present there in the meeting out here at Vidhan Bhavan. And big breaking.